गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। स्टोर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है, ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यू आई पी है, इशूड टू डब्ल्यू आई पी है, इशू फॉर रिपेयर्स है एंड डेफिशेंसी फाउंड इन स्टॉक्स। फिर इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में जाते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, डायरेक्ट वेजेज अप्लाइड दिए हैं, ओवरहेड चार्ज दिए हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। नीचे हमें लिखा हुआ है एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड एट अ 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, वेजेस पेड हमने इतनी दी हैं और ओवरहेड इनकर्ड हमारे इतने। ठीक है, हमसे पूछा है स्टोर लेजर बनाइए, डब्ल्यू आई पी लेजर बनाइए, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाइए एंड कॉस्टिंग पी एंड एल। चलिए तो ये लेजर्स बनाते हैं और जो डाटा दिया है उसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद है डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है ना, इसके बाद है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और एक है आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये बेसिकली चार आपके लेजर हमने बनाने के लिए बोला था, बना ही दिए। अब इन पे प्लेसमेंट करते हैं। जैसे स्टोर में लिखा है ओपनिंग बैलेंस इतना है, परचेज इतना है, डब्ल्यू आई पी से हमारे पास इतना आया है, तो ये वैल्यूज लिख दें। ओपनिंग बैलेंस हमारा 54,000। ठीक है, चलिए इसके बाद जो परचेज है जी एल ए से जाएगी, टू लैख 88,000। फिर इसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यू आई पी है 1,44,000, ट्रांसफर टू डब्ल्यू आई पी है 2,88,000। ठीक है, इसके बाद जो रिपेयर्स के लिए यूज़ हुई है वो हमारा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स में जाएगा, और जो डेफिशिएंसी फाउंड हुई है वो भी हमारा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स में जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद डब्ल्यू आई पी में कर ले। डब्ल्यू आई पी में ओपनिंग बैलेंस हमारा था 1,08,000, वेजेस कंट्रोल अकाउंट से जो वेजेस अप्लाई हुई हैं वो आ जाएंगी, जो ओवरहेड अप्लाई किए हमने वो आ जाएंगे ओवरहेड से, और इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद वेजेज पेड किए हैं हमने 1,26,000, डायरेक्ट वेजेज आपके अप्लाई हुए हैं 1,08,000। इसका मतलब है जो 18,000 है वो हमारी इनडायरेक्ट वेजेज होंगी।
इसके बाद ओवरहेड इनकर्ड हुए आपके 4,50,000 के, ठीक है जी। चलिए ये ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से है, तो ये यहाँ पर WIP लेजर में चले जाएंगे हमारे 4,32,000, और ये दोनों ओवरहेड से आए हैं तो ये स्टोर लेजर से आ जाएंगे 36,000 and 10,800, ठीक है। चलिए और कुछ है नहीं, तो अब ये WIP में ट्रांसफ़र किया था हमने, तो ये हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल से आ जाएगा 288। अब स्टोर लेजर का टोटल कर लीजिए, ये 4,86,000, ठीक है। तो ये बैलेंस आ रहा है 1,51,200, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं WIP लेजर का, तो WIP लेजर का टोटल करेंगे तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 9,36,000, ठीक है। ये 1,44,000 स्टोर लेजर में गए थे, तो बाय स्टोर लेजर कंट्रोल जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये आपका कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। ये वो है जो आपने मटेरियल तैयार करके बेचा है 7,20,000 का, ठीक है। अब ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का टोटल करें, इस तरफ का टोटल है 5,14,800, ये जो बैलेंस आ रहा है 82,800 है, इसे आप क्लोजिंग भी कर सकते हैं और इसको कॉस्टिंग P&L में भी कर सकते हैं, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है जी। अब कॉस्टिंग P&L में सेवन लैख 20,000 का ये आया हमारा WIP लेजर से, ठीक है जी। इसमें इन्होंने कहा है कि इसे हमने बेच दिया है 7,20,000 पे 15% ऐड करके, तो ये होता है 8,28,000, सो 1,08,000 का ये जनरल लेजर में चला जाएगा, ये प्रॉफिट है, ठीक है जी, 1,08,000 का। चलिए समझ आया, ये ऐसे पहले भी क्वेश्चन किया आपने, तो आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।